आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहपुरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किसरोद गांव में दबिश देकर कुख्यात शराब तस्कर हीरालाल पटेल को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की खबर के बाद हुई इस कार्रवाई में हीरालाल के पास से करीब 52 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान हीरालाल का साथी पंचूलाल मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जहां शराब जब्त कर ली है, वहीं फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल यह कार्रवाई सहपुरा थाना प्रभारी संदीप हयाची दुबे ने की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर के ठिकाने पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। बताया गया कि आरोपी लंबे समय से शराब के अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। ग्राम के स्रोत में हीरालाल पटेल अत्यधिक मात्रा में शराब बेचता था। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस ने शाहपुरा पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। मैं स्वयं था, उसके पास से 2 बोतल कच्ची शराब मिली। उसकी निशादेही पर हम लोग ने स्कूल के बाद नाले के किनारे लगभग 4 कंटेनर अगर कच्ची शराब 52 लीटर लगभग बरामद करी। उसकी निशादेही पर ही हम लोग बिजना पहुँचे, जहाँ से वह शराब लेके आता था। पंचूमल्ला घर पर नहीं मिला। पंचूमल्ला को सूचना लग गई थी, वो फरार हो गया था। 2 आरोपी पंचूमल्ला और हीरालाल पटेल, इन दोनों के ऊपर 34 2 IPC की सी एक्साइज एक्ट की